वाह, सारिका ने इतनी मेहनत करी है और इतना बढ़िया रॉ मटेरियल रेडी किया है, आप लोगों के समक्ष आज रजू होने वाला है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजेंटा कलर का आज तो टोन आया है। हमर कहीं पे जाने की जरूरत नहीं भाई, हमको इधर ही अरोरा दिख जाता है। वड़ेला गाठिया खिलाया, खाए खाए खाए, मौज मौज। तो बतायो ने एक बार, नहीं कहीं बतावा जो तो हूँ बताऊ। मम्मी मेरे को कुछ तो काम करने दो। अभी तो आराम कर, आराम का टाइम है अभी। नहीं, होमवर्क क्या दिया है आज? जो एक बुट्टी है ना, उसमें पीछे आटा आता है ना, वो निकल गया है। आटा तो वैसे तेरे में कहाँ है? इसमें आटा है ना, इसीलिए आपको रोज आटा खिलाती हूँ। वाह वाह वाह, ओह, आई मीन जस्ट लुक एट द कलर गाइस। किसी के भी मुंह में पानी आ जाए ये देख के यार, किसी के भी मुंह में। अपने मुंह में बैठे है, रिव्यू भी ले सकते, रिव्यू ले सकते हैं। रिव्यू मैं कहा मकाय और ममरा मेरा फर्स्ट लव है। वाह वाह वाह, तो मैं कितना मालव हूँ। 9:10 बाकी है, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। भाई ने सू थियो, हाँ समझ में आ गया, मेरे को थोड़ी स्मेली स्मेली आ गई है। गुड मॉर्निंग सारिका जी। गुड मॉर्निंग। दिवाली की साफ सफाई का अपडेट क्या है? दिवाली का क्या करे, अभी घर का रूटीन नहीं हो रहा है, दिवाली की कर रहे हो आप? घर का रूटीन मेरे को लगता है नहीं होगा अभी भी, क्योंकि देखो 17th को कनिष्क का बर्थडे आ रहा है और 24th को इसका बर्थडे आ रहा है, तो हमने एक बहुत बढ़िया सी एक सीरीज प्लान करी है आप लोगों के समक्ष रजू करने के लिए। जयदीप मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाले हैं, वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह माय गॉड। हाँ बेटा, एलिफेंट, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। बर्थडे के 10 दिन पहले हर रोज हस्बैंड को ऐसा बोलो, जयदीप मैं बहुत एक्साइटेड क्यों आपके आप सरप्राइज देने वाले हो ना, इसीलिए। वो कोई देने नहीं वाले है, लेकिन हमको उसको टॉर्चर करना है कि वो दे हमें, वो दे हमें, वो दे हमें, हम दे। मैंने सोचा है, बहुत बढ़िया सोचा है, पर कनिष्क के लिए सोचा, तेरे लिए तो बाद में देखते हैं। अभी अभी तेरा तो 10 साल हो गया, तू पुरानी हो गई है। पुरानी चीजें की अभी ट्रेंड आ रहा है, तेरे को पता है 2014 में हम लोग पहली बार मिला है, 2024 है, 10 साल हो गए हैं। 10 साल पुरानी चीज की अभी वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ गए, गोल्ड इज ओल्ड इज गोल्ड। एनीवे, बातों में पापा का सुविचार कर। पापा आ चुके हैं गांव से। पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सुविचार, आज का सुविचार है, जिनकी दिल विशाल है, जिनके दिल विशाल है, उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं होते। वाह वाह वाह, क्या बात है, हद नहीं आती। विशाल दिल होनी चाहिए, विशाल दिल, और दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो, इतना बड़ा रखो सब समा जाए उसमें। जितने आपको प्यार करते हैं, जितने आपको प्यार करवाना चाहते हैं, जितने भी आपको चाहते हैं, सबके साथ दिल बड़ा रखे रखो। उनके स्वप्न भी विशाल आएगा, स्वप्न विशाल, बहुत बढ़िया, हद के नहीं आएंगे। क्या बात है, और गाँव जाके मजा करके आया। वो देखा कल के वीडियो में, आपकी स्कूल देखी, पापा पढ़े थे वो स्कूल गए, उसका कमेंट आए हैं, वहाँ के जो टीचर है उनके लड़के के कमेंट आए हैं। वाह क्या बात है। वहाँ बालू भाई का गांव वाला एक बनिया था, उनकी होटल थी, उनको मिलने के लिए गया, वो सूरदास था बेचारा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी भावना ऐसी थी कि बालू भाई हमको मिले, तो उनको मिलने के लिए गया, गंगा जलिया तालाब के बगल में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं बोला कि हमारी सनातन स्कूल भी इधर है, तो कही यही है, बगल में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, काम हो गया यहाँ? तो काम हो गया, वहाँ से गुजरा। वाह वाह वाह। तो वहाँ गोविंद भाई करके पट्टा वाला है, वो हमारे टाइम का है, वो जिंदा है अभी। जिंदा है तो उन्होंने सारी बात बताई भाई। सोशल मीडिया हमको कितना सपोर्ट करता है और कनेक्ट करता है सब लोगों के साथ। कमेंट बॉक्स में सब कमेंट आते हैं, तो पापा को अपनी पुरानी बातें याद आ गई। हाँ। पापा जिनको मिले थे उनकी याद आ गई। थैंक यू सो मच। गांव की मजा ही हुआ है, गांव की मजा ही, आत्मीयता उतनी, आत्मीयता उतनी। उन्होंने तो क्या बात, वो तूने वीडियो बताया, मैंने वड़ेला गाठिया खिलाया, खाए खाए, मौज मौज। तो ये है पापा के गांव की मजा मस्ती, और ये था हमारा आज का स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग। एक दिन वो क्या है, पात्रा तुरिया बनावे, अरे भाई उनकी रसोई तो चाट ले, अंगूठी चाट लो, अंगूठा चाट लो। क्या ऐसे मूवी जैसा शॉट आ रहा है यहाँ से, KGF जी लोग क्या पूरा ऐसा पेपर के अंदर तो वी से। वाह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या है आज के समाचार? युद्ध का ही है, सब कुछ चल रहा है, युद्ध का चल रहा है। ड्रोन फेंक रहे हैं, ड्रोन से वो मिसाइल फेंक रहे हैं ना, वो सब कुछ ही चल रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, दिवाली का शॉपिंग कर डालते हैं यार, बाद में ट्रैफिक हो जाएगा। हाँ, अभी कितनी तारीख, 14 तो हो गई, 14 तो हो गई है, तो अभी 15 दिन ही बचे हैं, 15 दिन ही है, तो अभी ट्रैफिक सभी जगह पे ज्यादा हो जाएगी, तो आज जाते हैं। खर्चा बढ़ने वाला है ये महीने में, जितना खर्चा बढ़ता है ना, अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने बहुत बढ़, क्योंकि देखो इसके बाद शादियां होती है, शादी में भी खर्चा होता है। जब हमारे घर पे तो नहीं है किसी की शादी, बट लेते शॉपिंग में। मम्मा बुबू नहीं, नहीं मम्मा ने बुबू से मेरे को नहीं नहीं कराया। वाह, शॉर्टकट ही बोलता है, ठीक है, वो बीच के शब्द सब निकल जाते हैं। गाइस नवरात्रि का कल रात को मैंने लाइव किया, नवरात्रि खत्म हो गई ना, उसका अभी भी मेरे को थोड़ा तो है,
और कल के वीडियो में कमेंट देख के मेरे को ऐसा हुआ कि आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा, बट इट्स ओके भाई, कभी कभी है ना, तो सॉरी अबाउट दैट। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, जितने लोगों को लगा वो रिलेटेबल है, गरबा खेलते हैं उन लोगों को पता है दर्द क्या होता है मिस करने का। सब लोगों को जजमेंट फटाफट से आ जाता है, पता नहीं सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। हाँ। वैसे हो आप बच्चों का ये नहीं कर रहे, हमारे बच्चे को हम प्रेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बराबर। फाइनली मम्मी हो चुके हैं फ्री अपने काम से और आ चुके हैं झूले पे कनिष्क की खातिरदारी में। मम्मी कल बहुत सारे कमेंट आए हैं, ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, मम्मी ने इतने दिन हाँचवा है, आप एक दिन नहीं खेल पाए तो ये हो गया वो हो गया। मैंने आपको कंप्लेन करी मम्मी? नहीं नहीं, फिर कंप्लेन नहीं, ये तो हमारे फरज में आवे, घरना मेंबर ना हाचवे तो कौन हाचवे, तो कौन हाचवे। किसी ने ये नहीं देखा कि सारिका इतना काम करती है पूरे दिन घर में सुबह से शाम तक, और रात को उसको गरबा खेलने का मौका 10 दिन ये इतने सालों में पहली बार मिला है, तो वो नहीं देखा, और मैं उसको लेके जाता हूँ वो नहीं देखा, तोड़ने लगे। वो काम की बात अलग है, खेलने की बात अलग है, भले ना खेले, जिन इंटरेस्ट हो ना खेलवा देवाना। हाँ सही बात है। चलिए हाँ बेटा, उसकी तबियत का लेना है, सुबह से बोल रहे हो जाओ दवा खान जाओ। हाँ। नहीं, नहीं जाओ, हमारे घर में ये एक बहुत तकलीफ है, दारू नहीं था, अभी देखो बातों में आंख में आड़ झड़झड़िया भी आ गए है, फिर भी जाने का नहीं है। सर दो पैर उठे तभी सर दर्द हो रहा है, सुबह हो रहा है, करी के फरे जे, तो बताया वो नहीं एक बार, नथी काय बतावा जे वो तो हूं बताऊं, एक बार मम्मी ब्लड रिपोर्ट हो जाएगा ना आईडिया, मैंने काय नहीं तो तार अभी आज देखो थोड़ा अच्छा है ना, कुछ नहीं बोलेंगे। बढ़िया सी भिंडा की सब्जी उसके साथ राइस और रोटी, आज तो बहुत बढ़िया, हमारा फेवरेट, उसके साथ दाल भी लपेटेंगे। गाइस एंड गर्ल्स, दाल नहीं बनाई, कढ़ी बनाई, कढ़ी बनाई ठीक है चलेगा, पर आज शाम को मेरी इच्छा ये है जो आपने टॉपिक में देखा हो बना के दिखाओ, मास्टर शेफ इंडिया में कौन और चीज का पराठा बनाया था जो मेरे को एकदम यमी लगा था, मेरे घर में अभी तक कभी बना नहीं है, तो कौन चीज का पराठा बनने वाला है, बने रहिए एंड तक देखिए, डिटेल में रेसिपी आएगा उसके साथ साथ मनोरंजन भी होगा। ठीक है गाइस, सारिका जी ठीक है? ठीक है, नहीं आप रील देखना ही बंद कर दो, रील में खाने का नया नया आता है ना तो आपको शौक चढ़ जाता है। तो सही है ना, अच्छा तो है, हेल्दी तो खाते है, इस बहाने घर का बहुत बढ़िया वाला। अंगूठा दुख रहा है तो हाँ देखो, ड्रेसिंग करवा के आया हूँ, ये लास्ट ड्रेसिंग है, इसके बाद पूरा निकल गया है, आपको अभी कटी और खिचड़ी खानी चाहिए जेदी। हाँ। नहीं नहीं वो मैं देखता हूँ, दर्दी हो ने कटी खिचड़ी खवाई। अच्छा तो आज खिचड़ी वगारेली कर दईस। ना ना मेरे को चीज कौन खाना है, चीज कौन पराठा खाना है। अरे का बहुत ज्यादा गोरी लग रही है आज तो, वो नवरात्रि के बाद का जो ग्लो आता है ना फेस पे वो अभी निकल के, प्रेगनेंसी में ग्लो आता है, नवरात्रि में ग्लो नहीं आता कहीं पे। वो अभी किसका ग्लो है, 3 दिन से वो काम वाली नहीं है ना तो बहुत पसीना निकल रहा है तो वो इसका ग्लो निखर के बाहर आया। yeah. अगर देखो हाँ. एक महीने तक ना आए हाँ. तो दूध और मैं तो सेम हो जाएंगे। ये सज्जन सोच रहे हैं कि इसमें से टीपे क्यों गिर रहे हैं। सारिका जी नहीं, मुझे टच भी नहीं करने दे रहा है। क्यों करने देगा, उसको मजा आ रहा है, खाई ले ना। हाँ मत ले, ऐसा मत कर, खाई जा कानू खाई जा। 2 दिन पहले मैंने आपको बोला था कि मेरा अंगूठे का जो नाखून निकल गया ना उसके लिए मैंने एक स्पेशल चीज मंगवाई, वो आ चुकी है, कवर मंगवाया, कवर उसका, उसका प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको, टो प्रोटेक्टर फॉर मेन ऐसे लिखने का, मैन वुमन का। हाँ मैन वुमन, ये यूनिसेक्स है, दोनों यूज कर सकते हैं, एक पैकेट के अंदर ऐसे 1, 2 और 3 पैकेट है। एक साल तक ऐसा रहेगा ना इसलिए प्रोटेक्ट तो रखने का ना, शूज पहनने में इजी पड़ना चाहिए, बराबर है। और हमारे लहसुन जी जो है वो आ चुके हैं वाली वाली करने के लिए, अभी इसके अंदर से ये जो निकला है सिलिकॉन का है और पूरा स्ट्रेचेबल है एकदम, देखो ऐसे मस्त चाका जाम। और ये अभी टोटी यू के भाई नवरात्रि में फिंगर में पहनता है, तो ये टोटी ही है, अब ये टोटी को इसके ऊपर ऐसा लगाने का और इसको ऐसे पहन लेने का, देखो कितना मस्त प्रोटेक्ट हो गया, अभी इसके ऊपर शूज पहन सकते हो कुछ भी। वैसे भी जयदीप आपको जो पट्टी लगाई है उसके ऊपर शूज नहीं पहन सकते, ये कवर लगाना जरूरी है, पट्टी के ऊपर नहीं पहन सकते, पट्टी के ऊपर दबेगा, ये है ना स्पंज वाला है, तो स्पंज वाला है ना तो गादी जैसा फीलिंग आता है, समझ पड़ा आपको, स्पंज बहुत ऊपर है, मुझे बोला होता बना देती।
बराबर है, ये जो डैडी का है आपका नहीं एक, है। और देखो बच्चे देखो छह मंगवाए, क्यों ये यूजेंद्रो है? यूजेंद्रो नहीं है, वो बिगड़ेंगे ना थोड़ा घिसेगा इधर, ये वो धूल मिट्टी लगेगी तो। वैसे वॉशेबल है बट कोई भी पहन सकता है ऐसा, कोई भी ले। हम लोग ये कवर लेके आए, अभी अंगूठा तोड़वाओ, चलो यूज तो करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ठेबा खाना ही है ताकि हमारा ये कवर है ना वो यूज हो पाए। वाह 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 वाह, पूरा का पूरा पैर आ गया इसका तो। वाह, सारी कहानी, इतनी मेहनत करी है और इतना बढ़िया रॉ मटेरियल रेडी किया है, आप लोगों के समक्ष आज रजू होने वाला है चीज कॉर्न पराठा, जो जयदीप की सुबह से फरमाइश थी, सुबह सुबह रील में देख लिया था, तो बस वही खाना है। यो माय मैन, हेजू आपको वहीं पे बैठना है बेटा? ना, तुम नीचे उतरो बेटा, प्लेटफॉर्म नॉट अलाउड है, उधर नहीं बैठने का है। चलिए तो सारिका जी पहले बता दीजिए ये सब चीज का इंट्रोडक्शन। रोटी का आटा लिया है, उसमें डाला है तेल और डाला है स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे डाला है तिल और कसूरी मेथी। तिल और कसूरी मेथी, रोटी का आटा, तेल और नमक और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन पराठा बच्चों को खाना है इसलिए मैं नहीं डाल रही। ओके, अगर आप बना रहे हो तो डाल सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पे बारीकी से इन्हें कॉर्न को एकदम क्रश करके मस्त ग्राइंडर करेंगे। एकदम क्रश नहीं करना है, कचरा रखना है तो ये है। ठीक है, अभी इसको रोटी का आटा बांधेंगे और फिर इसके अंदर नया जो हो गए वो आपको बताएंगे। ये जो आपको क्या करना है बेटा? मेरे को पानी डालना, तो मेरे उसको डालने देना सर का पानी तो डाल। जयदीप हमारा कानू आवे तुम्हारे बेन क्या होता है? सॉरी सॉरी, वो कनिष्क आएगा ना तब तक पता देना पड़ेगा, क्योंकि वो कनिष्क जो है ना, जो हमारा बच्चा जो, हाँ करवा दे बेटा, तू बैठ तू देख, तेरे को सीखना है बेटा, तेरे को फ्यूचर में डैडी को खिलाने का है, इसलिए तेरे को वहाँ पे देख के सीखना है, सीख ही जाए, क्वेश्चन कर बराबर में, सीख जाएगी ना बाद में किचन में नहीं आऊंगी। तो क्वेश्चन कर मम्मी को, ये क्या डाला है, इसके बाद क्या किया? ओके, ये क्या? वो आटा है, ऐसा भी मत बोलो यार। चलिए तो ये रोटी का आटा तो आप सबको आता ही है, बनाने के बाद कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए। ये कौन है? इसको मक्का ही बोलते हैं, डोडो है। इसको है ना मसालिया बोलते हैं, बहुत बढ़िया सा। वो क्या बोलते हैं इसके? इसको कोरिएंडर बोलते हैं, धनिया, और इसमें ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, फिर ये क्या है आई डोंट नो, फिर ये आलू मिर्ची का पेस्ट है, और वो क्या है? ये पैन है, नॉन स्टिक पैन बोलते हैं, और वो क्या है? वो मेरा फोन है, उसमें अभी स्टोरी रखी, और वो क्या है? वो बस हो गया अभी, इतना ज्यादा यार तो फिर डाल देती है, पका डालती है यार रेजा। मम्मी मेरे को कुछ तो काम करने दो, अभी तू आराम कर, तेरा आराम का टाइम है अभी। नहीं, होमवर्क क्या दिया है आज? मधुमक्खी। हाँ तो वो करो, ये बाद में बेटा, ये तेरा अभी 2-3 साल बचे, उसके बाद करने का है, अभी देर है। और बाहर देखो संध्या खिली है, कलर देखो, वाव इतना बढ़िया लग रहा था ना नीचे से, मैंने सोचा ऊपर आके दिखाता हूँ आप लोगों को, लुक एट द कलर मैन, और ऊपर मून भी दिख रहा है, यो मैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैजेंटा कलर का आज तो टोन आया है। हमारे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है भाई, हमको इधर ही अरोरा दिख जाता है, ओरा ओरा, अरोरा नहीं ओरा, नॉर्दर्न लाइट का ओरा। ये देखो यहाँ पे सनसेट का टाइम, चा का जाम, प्रो लेवल कलर गाइस। तो जी नॉन स्टिक पैन में डाल दिया गया है ऑयल यहाँ पे गर्म होने के लिए, इसके बाद का स्टेप क्या होगा सारिका जी? सब मसाले, वाव ये तो नया, ये हो आलू मिर्ची की पेस्ट गई है सौते सौते होने के लिए, लहसुन डाल सकते हो लेकिन पापा भी खाने वाले हैं इसलिए मैंने नहीं डाला। ओके वेरी गुड, समझ गया, खाते हो तो डाल देना। ओके ओके ओके, और अभी डाल देंगे कॉर्न डाला है उसके अंदर कॉर्न, अभी इसको बारीकी से मिक्स करेंगे सौते सौते, चकाचक। और हेजू यहाँ पे कंफ्यूज हो, हेजू ऊपर जाके लाइट देख कितनी बढ़िया लग रही है सनसेट की लाइट, तेरे को पता है? थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आलू मिर्ची में नमक है तो थोड़ा कम डाला है, इसमें भी डाला है थोड़ा नमक जैसे, और उसके ऊपर अभी सब मसाले जाएंगे, चिली फ्लेक्स वेरी गुड, उसके ऊपर ओरेगानो, इटालियन सीजनिंग है सब कुछ इसमें आएगा, तो आपको थोड़ा पिज्जा जैसा टेस्ट आ सकता है। वाओ, आपके घर में जरूर बनाइएगा ये प्लीज, और हमको बताइएगा कि कैसा बना, ठीक है? उसके ऊपर अभी क्या जाएगा सारिका जी? हो गया, उसके ऊपर ये चमचा है ना वो जाएगा। हाँ वो तो मेरे को दिख रहा है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और इसको होने देंगे, मस्त मस्त पकने देंगे। जो मकाई में जो दूध निकलता है ना वो कच्चापन रहता है ना वो चला जाए ना तब तक पकाना है, तो मिनट आप अपने हिसाब से देख लेना प्लीज। ओके थैंक यू सारिका जी, यू वेलकम जी। तो जब तक ये पक रहा है तब तक मेरे माइंड में एक बहुत अनोखा क्वेश्चन आया है सारिका जी। हाँ जी, अभी देखो नवरात्रि खत्म हो गई है तो कान में बुट्टी क्यों नहीं पहन रही हो? वो बुट्टी में क्या हो रहा है, जो एक बुट्टी है ना उसमें पीछे आटा आता है ना वो निकल गया है। आटा तो वैसे तेरे में कहाँ है? मेरे में नहीं चाहिए, बूटी में चाहिए। अच्छा ओ बूटी में, ओ सॉरी माय बैड, थोड़ा हो गया ज्यादा,
सॉरी है कि आटा है, बहुत आटा है, इधर भी आटा है, इधर भी आटा है, उधर भी आटा है और इधर भी आटा है। वाह, इसमें आटा है ना, इसीलिए आपको रोज आटा खिलाती हूँ। वाह वाह वाह, ओ आटा नहीं होता ना तो आपको भी आटा नहीं मिलता। हमारे डिश का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो मैंने कहीं पे दिखाया नहीं था, अभी दिख रहा है। देखो ये इसको चीज बोलते हैं, चीज। हाँ, चीज से पहले ये मरी पाउडर है। ओ, मरी पाउडर डाला है, मरी पाउडर, ब्लैक पेपर डाल दिया है और उसके ऊपर चीज। वाओ वाओ वाओ, पतला थे गया तो खुराक करवाना। ओके, समझ गया। उसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा ऐसा ऐसा वेट लॉस हो गया ना तो बढ़ाएंगे। उसके ऊपर कोरिएंडर जा रहा है। आई मीन जस्ट लुक एट द कलर गाइज, किसी के भी मुंह में पानी आ जाए ये देख के यार, किसी के भी मुंह में। अभी मैंने चखा था, क्या टेस्ट आ रहा है, मतलब वाओ यार, आई एम एक्साइटेड। आटे में डालना ही नहीं है वैसे ही, चमची नहीं, नहीं आटे में तो डालो, इसको अभी आटे में भी डालेंगे और फिर उसका बनाएंगे पराठे। ठीक है गाइज, सारिका ने ये जो स्टेप दिखाया ना वो सबसे इजी स्टेप है और ये लंबे हनुमान रोड वराछा का मास्टर शेफ स्ट्रोक है। ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, सिंपल रेसिपी, सिंपल इंग्रेडिएंट्स और सिंपल टाइमिंग, 15-20 मिनट में हो जाएगा। रेसिपी ऐसी बनाओ फटाफट बन जाए और पेट भी भर जाए। यमा मैन तिखा गॉयज। अब ये देखो जैसे बातें करते हैं ना, बातें ही बातों में ये हो गया है अपना। इसमें अगर आप को मोजरेला चीज पसंद है, वो लाल चलती है ना, तो वो भी डाल सकते हो, वो ही है होता है, लेकिन मुझे वो पर्सनल नहीं अच्छा लगता, रबर जैसा ही लगता है, इसलिए मैं सिंपल चीज ही यूज कर रही हूँ। देखिए गाइस, स्टेप नंबर वन, आटा जो लिया है उसको रोटी की तरह मस्त गोल गोल करके, भाई ने मोमम बन रहा है बेटा, तेरा ही मोमम बन रहा है, सबसे पहले तो तुमको ही खिलाएंगे। वाओ, माता जी आ चुके हैं। पराठे बनाने माता जी ने प्याला धरी दियो। मम्मी ये क्या बन रहा है पता है? चीज कॉर्न पराठा। पराठा बने से पण है ना बने ने चीज कॉर्न। मम्मी मकाई छे, मकाई मकाई नो चेवड़ो, चीज मकाई पराठा, चीज मकाई पराठा, ये स्टफिंग जो बनाया वो उसके ऊपर जाएगा। और जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं बस उसी तरह उसको स्टफिंग करके उसको ऐसा गोल गोल बेल लेना है ऐसे करके। वाओ लुक एट दैट, वाओ वाओ वाओ। ठीक है गाइज एंड गर्ल्स, अभी उसको मस्त वो करके फिर घी में सेक के खाने का। खाई पछी खबर लागे साला जी, तेरे को तो अच्छा ही लगेगा, मम्मी को तो अभी आज मूड में लाने का है क्योंकि वो उसको अंधार आ रहा है ना। अच्छा अच्छा खिलाओ माता जी को, डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा एक बार। चलिए, डॉक्टर का नाम बोलते हैं तो अंधेरा होता है ना, अंजवाला हो जाता है। ये वधारे दवा जाजी दे एन करता आपड़े। हां इन्होंने मम्मी एक बार बता देने का यार। चलिए एनीवे, इसके ऊपर अभी सारिका ने थोड़ा नया रिसर्च करके कोरिएंडर डाला है और उसके ऊपर थोड़े तिल भी डाले हैं। तो डेकोरेशन है वो तुम्हारे पास, डेकोरेशन। भाई ने मोमम, भाई ने मोमम बने, भाई ने मोमम बेटा, जो बाप है जा। टाइम नो है ने तो वो डेकोरेशन में टाइम नो बगाड़ता। यस, ये देखो ये स्टेप भी बहुत बढ़िया है। इसके ऊपर सारिका ने पूरा का पूरा पराठा एकदम फ्लैट कर दिया, ये स्क्वायर में थोड़ा बना रहे, राउंड स्क्वायर है ना सारिका, स्क्वायर में ही बना रहे, राउंड स्क्वायर कहां है, स्क्वायर ही है। ठीक है, और इसको अभी बेल के चकाचक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा ऑयल या घी डाल के आपके हिसाब से आपको सेकने का है बारीकी से गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके साथ सारी का चटनी होती ना तो बहुत मजा आता। चटनी बच गई, वाह 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 वाह, ये देखो। सो दिस इज द फाइनल स्टेप, अब ये होगा और फिर हम लपेटेगा। मम्मी बैठे हैं, रिव्यू भी ले सकते, रिव्यू ले सकते हैं, रिव्यू। हाँ, इसके आगे तो एक बन गया है तो मम्मी वाह, ये देखो कैसा लगा, वो फाइन, क्या घट रहा है, कुछ नहीं, चटनी नहीं चाहिए, ये चटनी घट रहा है पर चटनी नहीं बनाई ना। हाँ, चटनी बनाई नहीं है, इसलिए सास पीता है, सास पीना है इसके, इसलिए सास पीना है। नहीं बनानी हो तो बनी जाए, धान छे मरचा कर। अरे ना ना भाई, ये तो नहीं बोल रहे, धान मरचा चटनी खाता वार नो ला, खाली पीसवानो, थोड़ा थोड़ा केचप खा लेंगे चलो। ये देखो गाइस, गोल्डन ब्राउन तक होने देंगे। तो ये होता है चीज पनीर पराठा। हाँ, चीज इसमें पनीर भी डाल सकते हो, चीज वैसे पराठा बहुत अच्छी चीज है, जो भी डालो अंदर घुसा दो पराठा बन ही जाता है। मुंह में पानी आ जाता है, वेजिटेबल घुसा दो, मोमम मा बे बा बम। चलिए तो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो हमको इधर एंड करना पड़ेगा। थोड़ा लाइक मार दो, शेयर कर दो, कमेंट करके, सब्सक्राइब नहीं तो कर डालो, ये जरूर ट्राई करना और हमको बताना कैसा लगा कल के वीडियो में। मुंह में पानी आया वो भी बताना। ये हां बेटा, पर्सनली मुझे मकाई बहुत ही ज्यादा प्रेम, मकाई से बहुत ही प्रेम है मुझे। नींद में उठा के भी मकाई खिलाए ना, मैं कहा मकाई और ममरा,
मेरा फर्स्ट लव है। वाह वाह वाह, तो मैं कितना मालव हूँ खाने में, आप खाने वाली चीज नहीं। ओह माय गॉड, यो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, सी यू टुमारो।